दोस्तों अच्छी जिंदगी बिताने का सबसे बड़ा जरिया है इंसान की इकोनॉमिक कंडीशन का मजबूत होना। लेकिन दुनिया के हर इंसान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं कि वो एक अच्छी जिंदगी बिता सके। दुनिया में ऐसे बहुत ही ज्यादा लोग हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने रहने के लिए एक घर ले सके। लेकिन एक कहावत है कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ हमारी वीडियो में आगे बताए जाने वाले 10 लोगों के साथ हुआ। पहले वो इतने ज्यादा गरीब हुआ करते थे कि उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था, लेकिन बाद में उनकी किस्मत लॉटरी से बदल गई। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं दुनिया के बेघर लोगों के बारे में जो लॉटरी जीतकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए। नंबर 10, माइकल एंगफोर्स। माइकल एंगफोर्स अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाले ऐसे शख्स हैं जिनकी किस्मत कई बार बदली। पहले वो एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से वो बेघर हो गए। उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स भी हो गया। 6 साल तक उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन वो एक गैस स्टेशन पर रेगुलर लॉटरी टिकट खरीदते रहे और एक बार फिर उनकी किस्मत बदल गई जब 8,40,000 में से केवल एक चांस में ही लॉटरी को जीता जा सकता था और वो उसे जीत भी गए। उसमें उन्हें $5,00,000 यानी लगभग 3,25,00,000 रुपए मिले और ये लॉटरी टिकट उन्होंने केवल $10 का खरीदा था। नंबर 9, एमिली रेयस। एमिली रेयस नाम की एक औरत बेघर तो थी, साथ ही उसे ड्रग्स की भी बहुत खराब लत लग गई थी। अपने ड्रग्स के नशे को करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चोरी करना शुरू किया और उसे जेल हो गई। जेल से जब वो छूटी तो उसने अपनी जिंदगी को सुधारने का फैसला किया और बेघर महिलाओं के लिए बने एक शेल्टर में रहने लगी। 6 महीने तक इस शेल्टर में रहने की खुशी में वो सेलिब्रेशन कर रही थी, तभी उसने टेक्सास लॉटरी टिकट खरीदा और यहीं उसकी किस्मत बदल गई। उसे $2,00,000 यानी लगभग 1,30,00,000 रुपए मिले। उसने इन पैसों को अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा जिन बेघर महिलाओं के साथ वो शेल्टर में रहती थी उनके ऊपर भी काफी पैसे खर्च किए। नंबर 8, ग्रैंड फ्रीमैन। ग्रैंड फ्रीमैन नाम के एक शख्स ने अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए बहुत ही गलत काम का सहारा लिया। वो गैम्बलिंग करने के लिए अमेरिका के एक शहर लॉस एंजलिस गया और उसने अपनी जिंदगी तो बदल ली, लेकिन बहुत ही बेकार तरीके से। वो अपना सब कुछ हार गया, सब कुछ, और तब वो सड़कों पर रहने को मजबूर हो गया और शहर में आने वाले टूरिस्ट से भीख मांग कर अपना गुजारा करने लगा। कुछ दिन इसी शहर में गुजारने के बाद वो पैदल ही 64 किलोमीटर का सफर तय करके निपटॉन नाम की एक जगह पर आ गया और यहाँ $2 की उसने 2 मेगा मिलियन लॉटरी टिकट्स खरीदी। उसे दोनों ही टिकट्स में जीत मिली। पहले $1 की टिकट पर उसने केवल $8 की लॉटरी जीती और दूसरे $1 की टिकट पर उसने $18,000 यानी लगभग 1,21,00,000 रुपए जीते। उसके बाद उसने गैम्बलिंग कभी ना करने का निश्चय किया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करने लगा। नंबर 7, विक्टर हेरारा। अमेरिका के फ्लोरिडा का मियामी शहर काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और एसी के बिना यहाँ गुजारा करना काफी मुश्किल है। विक्टर हेरारा नाम के शख्स का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया और वो मियामी के अपने एक छोटे से घर में आकर रहने को मजबूर हो गया। उसके साथ उसका एक छोटा बेटा और बहन थी। उसके पास पैसों की काफी कमी थी, इसलिए उसके घर में एसी भी नहीं लगी थी। एक रात हद से ज्यादा गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं हो पाई और रात में ही वो एक सुपरमार्केट में बर्फ खरीदने के लिए चला आया, लेकिन यहाँ उसने एक लॉटरी टिकट देखा और बर्फ की जगह उसे खरीदने का फैसला किया और $5 के लॉटरी टिकट में उसने $2,50,000 जीत लिए जो लगभग 1,62,00,000 रुपए के बराबर थे। उसी रात वो अपनी बहन और बेटे को लेकर एक होटल में जाकर रुका और एसी की हवा में चैन की नींद सोया। उसके बाद विक्टर हेरारा ने एक अच्छा सा घर अपने बेटे के लिए खरीद लिया। नंबर 6, एरिक फ्रॉम मैजिक ऑफ राहत। एरिक नाम के शख्स ने लॉटरी नहीं जीती, बल्कि एक बड़े यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ राहत ने इसकी जिंदगी अचानक बदल दी। अपने चैनल की एक वीडियो में राहत ने
एरिक नाम के एक बेघर शख्स को लॉटरी टिकट दी और बाद में $1,000 यानी लगभग 65,000 रुपए दिए ताकि एरिक को लगे कि वो $1,000 की लॉटरी जीत गया है। यूट्यूबर राहत ने एरिक को ये नहीं बताया कि वो अमाउंट उन्होंने ही एरिक को दिया है। 65,000 रुपए जीतने पर एरिक नाम के बेघर इंसान ने जीते हुए अमाउंट को राहत के साथ शेयर करना चाहा। इस वीडियो को लाखों लोगों ने यूट्यूब पर देखा और उन लोगों ने भी एरिक के लिए फंड जमा करना शुरू किया और दुनिया भर से एरिक के लिए $20,000 जमा करने की कोशिश की गई, लेकिन $20,000 की डोनेशन पर लोग नहीं रुके। एरिक के लिए दुनिया भर से $40,000 से ज्यादा यानी लगभग 29 लाख रुपए जमा हो गए। इन पैसों से एरिक को एक घर दिया गया और बाकी के पैसे उनकी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उन्हें दे दिए गए। मैजिक ऑफ राहत और उसे यूट्यूब पर देखने वाले लोगों ने काफी अच्छा काम किया। नंबर 5, स्टीव बोरिक। स्टीव बोरिक नाम के एक बेहद गरीब और बेघर इंसान की किस्मत तब बदली जब उसने एक लॉटरी टिकट में $25,000 यानी लगभग 16 लाख रुपए जीत लिए, लेकिन उसकी किस्मत शायद इतनी आसानी से बदलना नहीं चाहती थी। अपनी बहुत गरीब कंडीशन की वजह से स्टीव के पास वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो लॉटरी का अमाउंट मिलने के लिए जरूरी थे, इसीलिए उसे लॉटरी के 16 लाख रुपए नहीं दिए गए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कानून का सहारा लेकर वो अपना जीता हुआ पैसा लेने की कोशिश करता रहा। उसके बारे में न्यूज वालों को भी पता चल गया, उन्होंने भी उसकी काफी हेल्प की और आखिर में 8 महीने के बाद उसे अपने 16 लाख रुपए मिल गए। नंबर 4, लेजलो अंद्राशेक। यूरोप के देश हंगरी के लेजलो अंद्राशेक नाम के इस शख्स को हमारी लिस्ट में बताई गई लॉटरीज के अमाउंट में सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन फिर भी लॉटरी जीतने से पहले अल्कोहल की लत की वजह से इसकी जिंदगी बहुत बदतर थी। 7 सालों तक इसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था। उसके पास कुछ पैसे थे, उन सभी पैसों से उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और एक लॉटरी टिकट खरीदा और उस लॉटरी टिकट में उसने 63,60,00,000 फॉरिंट जीत लिए। फॉरिंट हंगरी की करेंसी है जो लगभग 16,84,00,000 भारतीय रुपयों के बराबर अमाउंट था। इस लॉटरी से उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। जीते गए बहुत से पैसों को उसने होमलेस शेल्टर में भी दान किया जिसमें वो पहले रहा करता था। नंबर 3, क्रिस्टल नेल्सन। क्रिस्टल नेल्सन अमेरिका में रहती थी और बहुत ही गरीब थी। 5 महीनों तक वो अपने दोस्त के साथ एक वैन में रह रही थी और सुबह सुबह न्यूज़पेपर की डिलीवरी करती थी। तभी उसने एक लॉटरी टिकट के जरिए लगभग 32,50,000 रुपए जीत लिए, लेकिन इतने पैसों को जीतने के बाद भी क्रिस्टल ने अपनी जिंदगी नहीं बदली और वैसे ही जिंदगी गुजारती रही। उसने इन पैसों से केवल एक कार खरीद ली, लेकिन दूसरे शहर में रह रहे अपने गरीब भाई को एक घर दिला दिया। काफी नेक दिल इंसान थी वो। नंबर 2, डेनिस महूरान। 1978 से लेकर 2013 तक बेघर रहे डेनिस महूरान की जिंदगी 2013 में एक लॉटरी जीतने की वजह से बदल गई। डेनिस एक बेघर लोगों के शेल्टर में रहा करते थे और जब उन्होंने 32 लाख रुपए जीत लिए तो क्या किया? एक बिजनेस शुरू किया या एक कार खरीदी या अपने लिए एक घर खरीदा? नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने रहने के लिए केवल एक टेंट खरीदा। ये काफी अच्छे दिल का इंसान था, अपने ऊपर पैसे बहुत कम खर्च किए और केवल एक टेंट ही खरीदा। बाकी के पैसे अपने ही जैसे बेघर लोगों पर खर्च कर दिए और उसने 500 बेघर लोगों को $500 दिए। नंबर 1, एमिली लीच। एमिली लीच नाम की एक अमेरिकन महिला ने एक लॉटरी टिकट में $1,000,000 यानी लगभग 6,50,00,000 रुपए जीते। वो बेघर या इतनी गरीब नहीं थी, लेकिन जिस जगह से उसने लॉटरी टिकट जीती थी वहीं उसके पीछे एक बेघर इंसान भी लॉटरी टिकट खरीद रहा था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। इसीलिए एमिली ने इन पैसों से कुछ और लॉटरी टिकट्स खरीदी और उस गरीब इंसान को उसने लॉटरी टिकट्स दे दी। उसके द्वारा दिए गए लॉटरी टिकट्स की मदद से एक बेघर इंसान ने $2,60,000 जीत लिए जो लगभग 1,70,00,000 रुपए के बराबर थे। और इस तरीके से अपनी जिंदगी तो एमिली ने बदली ही, एक और गरीब इंसान की भी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के बेहद ही गरीब लेकिन लकी इंसान जिनकी जिंदगी अचानक लॉटरी टिकट की वजह से बदल गई।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।